need you brighter than the skies. Hold on, just let us escape and fly away tonight. How can you take the chalk and teeth? स्ट्रक्चर मेकिंग में आपको बताने वाला हूँ कि आप स्ट्रक्चर जो है उसको कैसे मैप कर सकते हैं, प्रॉपरली तरीके से आप उसको कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, वो चीज़ें मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ, ठीक है। तो आपको प्रॉपरली देखते रहना, ये एक स्ट्रक्चर रैंडम मैंने मार्क किया है, पहले इसको समझेंगे, फिर मैं आपको चार्ट पे ले चलूँगा जिस पे चार्ट से आपको सारी चीज़ें बताऊँगा कि ये चीज़ें कैसे काम करती, इनका क्या तरीका होता है, कैसे अपन रियल तरीके से एक अच्छी ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले आपको जैसे मान लीजिए ये जो स्ट्रक्चर है ये एक अपसाइड स्ट्रक्चर है, यानी कि बुलिश ट्रेंड का मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, ठीक है। सेम इसी तरीके से बियरिश काम करता है, वो कैसे करेगा वो भी मैं आपको भी बताऊंगा, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि मार्केट ने क्या किया कि यहाँ से अप जाना स्टार्ट किया, थोड़ा इसका कलर चेंज कर देता हूँ जी। अब देखिए मार्केट ने यहाँ से अप जाना शुरू किया, ठीक है। जब भी मार्केट अप जाएगा तो दो चीज़ होगी, एक तो इम्पल्सिव एंड करेक्टिव मूव, ये दो मूव बनेंगे। उसके बाद मार्केट क्या करता है, थोड़ा सा नीचे आता है करेक्शन करने के लिए, फिर मार्केट अप जाता है, ठीक है। अप जाने के बाद फिर थोड़ी देर बाद मार्केट नीचे आता है करेक्शन करने के लिए, फिर मार्केट अप जाता है, फिर मार्केट थोड़ा सा नीचे आएगा, फिर करेक्शन करने के लिए मार्केट अप जाता है। तो ये सिनेरियो आपको मार्केट में हर चार्ट पे, चाहे बैंक निफ्टी 50 जो भी हो, या आप क्रिप्टो में कर रहे हो या गोल्ड में कर रहे हो या किसी करेंसी पेयर में कर रहे हो, ये चीज़ें आपको हर जगह देखने को मिलेगी। ये मार्केट का ट्रेंड है जिसमें मार्केट अब ट्रेंड में इस तरीके से मूव ऑन होगा, ठीक है। तो ये आपको सिनेरियो रहने वाला है। अब इसमें दो चीज़ें ध्यान से देखिएगा, जब भी मार्केट अप जाता है यानी कि पीछे वाले हाई को तोड़ के मार्केट एक नया हाई बनाता है, ठीक है। क्या बोला मैंने, सुनना इसको, कि पीछे वाले हाई को तोड़ के मार्केट जब नया हाई बनाता है तो आप लोग उसे कहते हैं बॉस, यानी कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। ये जो फर्स्ट मैंने लिखा हुआ है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, अब देखिए आपका मार्केट क्या करता है, नीचे से आ रहा है, ठीक है। नीचे से आने के बाद थोड़ा सा मार्केट डाउन ट्रेंड में गया, डाउन ट्रेंड में जाने के बाद मार्केट क्या करता है, थोड़ा सा वापस ऊपर जाता है। अब आप क्या करेंगे कि जो पीछे वाला हाई है उसको मार्केट ने ब्रेक कर दिया, यानी कि उसने मार्केट को तोड़ दिया, तो आप यहाँ पर क्या लिख देंगे, बॉस। ये आपके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, आप इसे क्या लिखेंगे, बॉस, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। जबकि ऐसा नहीं होता है, ये गलत है। क्यों गलत है, रीज़न बताऊँगा। सेकंड, फिर मार्केट थोड़ा सा नीचे आता है, अब आप क्या करते, अपसाइड एंट्री लेते हैं। अब जैसे मार्केट ने इसको ब्रेक करने के बाद, यानी कि लास्ट वाले हाई को मार्केट ब्रेक करता है, फिर आप उसको बॉस लिख देते हैं, ये भी गलत है, ठीक है। मार्केट अगेन नीचे आता फिर अप जाता, आप मार्केट को यहाँ पर क्या करते हैं, फिर बॉस लिख देते हैं, ये गलत है। देखो अब मैंने ये गलत क्यों बताया, तीनों बात समझिए, क्योंकि कभी भी डायरेक्टली ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ऐसे नहीं होता। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के दो कंडीशन है। पहली कंडीशन कि अगर आप रियल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देखना चाहते हैं, यानी कि मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, अगर आप रियल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर चाहते हैं तो उसका एक केस है कि आपका मार्केट इल्यूजमेंट ले, पहली कंडीशन है, ठीक है। अब इल्यूजमेंट क्या होता है, इल्यूजमेंट वो चीज़ होती है कि आपका मार्केट हाई बनाए, हाई के साथ क्या करे कि उसके लो को टच करे, लो को स्वीप करे, या चाहे कुछ भी चीज़ करे, उसके लो के साथ होनी चाहिए, ठीक। सॉरी, तो यहाँ पे IDM हो गया अपना, ठीक है, ये चीज़ होगी। उसके बाद क्या होगा कि जब भी आपका मार्केट यहाँ पे आएगा, ठीक है, इन चीज़ों को करेगा, तो उसके बाद आपके मार्केट में दो सिनेरियो होना शुरू हो जाएंगे। कि पहला सिनेरियो तो ये कि आपका मार्केट जब भी डाउन ट्रेंड में होगा या अप ट्रेंड में होगा, तो आपके मार्केट में ये चीज़ आपको चेक करनी है कि मार्केट ने ब्रेक किया। अब मुझे ये बताइए क्या इसने, ये जो हाई है इसने ब्रेक किया, तो इसका जो लो है क्या लास्ट वाले लो को ब्रेक किया है, नहीं। इसका लो कहाँ पे था, यहाँ पे था, ठीक है। इसके लो को किसी ने ब्रेक नहीं किया, ठीक है। तो ये अपना फेक बॉस होगा, इसलिए मैंने फेक बॉस लिखा हुआ है यहाँ पर, फेक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। नेक्स्ट इससे देखिए, अब ये जो वाला हाई था, यानी कि ये वाला जो हाई था, ये वाली नहीं, इसकी बात कर रहा हूँ मैं। अब जैसे ही ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, ये हाई हो गया आपके हिसाब से। अब ये बताइए क्या इस लास्ट वाले लो ने, क्या लास्ट वाले लो को लिया है, इस लो ने, क्या इस लो को लिया है, ये देखिए यहाँ नहीं लिया है। तो ये भी आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं है, ये भी फेक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। अब इसी को इल्यूजमेंट कहते हैं, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ IDM। अब जब मार्केट इस लास्ट वाली लाइन को टच करेगा, उसे अपन प्रॉपर इल्यूजमेंट कहेंगे, ठीक है।
यहाँ पे मैंने लिखा भी है। अब मार्केट फिर से अप जाता है, अब अप जाने के बाद वापिस नीचे आता है और देखिए लास्ट वाला जो लो है इसको लेता है। अब इस लो को लेने के भी दो कंडीशन होती है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, आप अच्छे से ध्यान रखिएगा कि जब भी IDM होगा तो उसकी दो कंडीशन होगी, या तो बॉडी, अगर बॉडी से इल्यूजमेंट लेगा तो भी प्रॉपर तरीके से वर्क करेगा, अगर बॉडी से ना लेके विक से लेता है तो विक भी प्रॉपर होगा, यानी कि दोनों केस में 100% वर्क करेगा। अगर आपको कोई ये कहता है कि सिर्फ ये बॉडी रिक्वायरमेंट है या हाई रिक्वायरमेंट है, वो गलत चीज़ है, ठीक है। आप यहाँ पर हाई पे बॉडी भी देख सकते हैं एंड यहाँ पर आप विक भी देख सकते हैं। अगर आप यहाँ पर छोटी सी कैंडल है उसको विक को स्वीप करके मार्केट जाता है तो आपका रियल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ये होता है, ठीक है। तो आपका रियल जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा ये वाला होगा, ठीक है, मैं मार्क कर देता हूँ इसको, आपका रियल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जो होगा ये वाला होगा, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए आपका ये रियल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो चुका है, तो अब ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद में लो कौन सा होगा, ठीक है। अब देखिए, अब इस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को लेने के बाद मार्केट ने इस बॉस को तोड़ा था, तो इस बॉस के नीचे देखिए ये वाला, यानी कि ये आपका हो गया सोर्स, यानी कि चेंज ऑफ स्ट्रक्चर। अगर मार्केट थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ, अब समझिए, ठीक है, अगर आपका मार्केट इस लो को लेता है या इस लो के नीचे, ठीक है, इस लो के नीचे आपका मार्केट अगर जाता है तो आपका ये हो जाएगा चेंज ऑफ स्ट्रक्चर, यानी कि मार्केट ने अपना ट्रेंड चेंज कर लिया, मार्केट अब डाउन ट्रेंड में जाने वाला है, क्लियर है। तो ये आपको दो चीज़ें ध्यान रखनी है, ठीक है। अब मैं आपको बता देता हूँ चोज होने का क्या कंडीशन है। चोज होने का जो आपका मैनुअली जो कंडीशन है जिस पे आप चोज देखेंगे, वो एक ही कंडीशन है कि यहाँ पर सिर्फ बॉडी काम करनी चाहिए, यानी कि आपका सिर्फ विग से काम नहीं चलेगा। अगर आपकी बॉडी होती है तो ये 100% वर्क करेगा, अगर आपकी विग होती है तो उस केस में अपन नहीं मानेंगे। हो सकता है हालांकि कहीं केस में आपको देखने को मिलेगा, बट वो है क्लोज होगा आपका, ठीक है। तो आपका यहाँ पर सिर्फ कैंडल होना चाहिए, यानी कि उसका प्रॉपर एक बॉडी होना चाहिए। नेक्स्ट, अब मार्केट क्या करता है, इल्यूजमेंट। इल्यूजमेंट लेने के बाद में अगर आपका मार्केट अप ट्रेंड जा रहा है तो इल्यूजमेंट के नीचे जितने भी ऑर्डर ब्लॉक हैं, अनमिटिगेट जोन है, POI है, ये जो भी आप लिक्विडिटी देख रहे हैं वो आपको देखनी है, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पर ये एक OB है, यानी कि ऑर्डर ब्लॉक है, सिंगल कैंडल मिटिगेट, कुछ भी आप देखना चाहें वो अपने हिसाब से देख सकते हैं, बट आपको क्या क्या प्रॉपर देखने का एक तरीका होता है वो भी मैं आपको दूंगा। तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा कि आप देखते हैं कि यहाँ पर एक सिंगल कैंडल एंट्री के हिसाब से आपको एंट्री नहीं लेनी, आपको यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक देखना है, ऑर्डर ब्लॉक के साथ साथ POI अगर आप देखते हैं कुछ भी, तो उसके साथ साथ आपको एक चीज़ ये देखनी है कि वहाँ पर इम्बेलेंस है या नहीं। अगर रीसेंट वाला हाई है वो एक वर्क करेगा, यानी कि कौन कौन सी चीज़ें वर्क करेगी मैं भी लिख देता हूँ यहाँ पर, जो आपका फर्स्ट होगा एंड लास्ट, ठीक है, आपका OB काम करेगा प्लस OB के साथ आए, यहाँ पर आपका इम्बेलेंस होना चाहिए, ठीक है, मैंने लिख दिया है, ये चीज़ें आपकी होगी तो ये वर्क काम करेगा। अब देखिए यहाँ पर ये जाता है, अब आपको यहाँ पर एंट्री कैसे लेनी है। सबसे पहले आपको यहाँ पर जैसे आप करते हैं, अब आप गलती कहाँ करते हैं समझिएगा, आप रख लेते हैं इस लो का लास्ट वाले लोग बताते हैं आपको कि इस लो का लीजिए हाई या इसका हाई लीजिए, आपको कुछ नहीं करना। अगर आपका यहीं तक मार्केट है तो कई बार क्या करता है कि यहाँ पर एक स्वीप मार्केट में मार्केट अप जाता है, कई बार डाउन भी जाता है, ठीक है। आपको डायरेक्ट इस तरीके से एंट्री नहीं लेना है, जो मैंने आपको स्टॉक बॉस और इल्यूजमेंट जो तरीका बताया वो आपको इसी जोन में 1 मिनट टाइम फ्रेम के अंदर देखना है, यानी कि 1 मिनट टाइम फ्रेम में आपको स्विच हो जाना है जब आपका मार्केट OB में या इल्यूजमेंट में या POI में जब भी एंटर करे तो 1 मिनट पर स्विच होकर ये सारी एंट्रीज आपको 1 मिनट में देखनी है। कैसे मिलेगी वो भी मैं बता दूँगा, ठीक है। अब यहाँ से आपका मार्केट अब जाता है, अब इस बॉस को ब्रेक करता है, तो ये आपका प्रॉपर बॉस है या नहीं पहली चीज़ को, ये भी आपका फेंक ऑफ जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है वो फेंक है, ये भी फेंक है, तो रियल कौन सा होगा फिर, ठीक है। फिर मार्केट अप जाता है, अप जाने के बाद फिर ये इल्यूजमेंट लेता है, ठीक है। अब आपका ये रियल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक, आपका रियल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। अब ये जो था, अब ये फेंक ऑफ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मेरा, अब आपका ये कन्वर्ट हो जाता है कि इसमें रियल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। देखो आपको पता करना है कि रियल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कौन सा, कुछ मत करिए, सिर्फ एक काम करिए, ये जो आपका इल्यूजमेंट है, जैसे मान लीजिए यहाँ है,
मार्केट ने इस हाई को तोड़ दिया, कोई बात नहीं, तोड़ के गया, आप यहीं इसको स्वेप कर लीजिए थे, अब इसको अप लेते जाइए, फिर मार्केट ने तोड़ दिया, कोई बात नहीं, आप इसको थोड़ा सा यहाँ लेंगे, फिर मार्केट ने तोड़ दिया, यहाँ लेंगे। अब देख लीजिए, मार्केट ने तोड़ा बट इस बार विक से तोड़ा किसी से, अपना ये वाला जो पीछे वाला होगा ये रियल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर लेने के बाद ये अपना एल्यूजमेंट, अब फिर मार्केट अब जाता है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। हाँ, अगर मार्केट ये वाली जो लिक्विडिटी है, सॉरी ये वाला जो है जोन, इसको अगर यहाँ टैप करता है तो देन अपना रियल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है। हो सकता है यहाँ पे क्लोज कंडीशन भी क्रिएट कर सकता था, बट मार्केट ने ऐसा कुछ भी नहीं किया, सिर्फ आया मार्केट ने यहाँ पर एल्यूजमेंट वगैरह जो भी लेना था लिया, देन मार्केट फिर अप गया, ठीक है। अब आपका क्या होगा कि जब भी मार्केट एल्यूजमेंट वाली ये जो रहेगा इम्पल्सिव एंड करेक्टिव मूव्स आपको प्रॉपर देखना, ये आपका क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर आपका हो चुका है हाई, ठीक है, ये आपका हाई हो चुका है। पर आपका इस बार जो लो कन्फर्म हुआ है यहाँ से आपने बहुत देखा, तो ये वाली जो लाइन है ये आपकी क्या हो गई, ये आपका लो कन्फर्म हो चुका है। तो आपको यहाँ पर मैंने हाई और लो मार्क करना भी सिखा दिया, इसमें गलती नहीं करनी है, जहाँ पर आपका रियल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो वहीं पे आपको हाई लो और मार्क करना, ऐसा नहीं है कि आप इनसाइडेड कैंडल्स में भी हाई एंड लो मार्क कर रहे हैं, वो गलत तरीका है, वो आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। नेक्स्ट, अब मार्केट यहाँ से आपका अप गया डाउन है, यानी कि इसने यहाँ पे देखिए अप गया फिर से। अब मार्केट ने यहाँ से क्या कर लिया है कि एल्यूजमेंट ले लिया। अब एल्यूजमेंट लेने के बाद मार्केट का हो सकता है कि यहाँ पर कोई ऑर्डर ब्लॉक हो, POI हो, कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर मार्केट ने यहाँ से लिया फिर देन में मार्केट अप गया। अब एक चीज समझिए, इस बार मार्केट ने प्रॉपरली यहाँ पर अपना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं किया है। अब मार्केट ने क्या किया है कि यहीं से कोई हो सकता है कि एक OB हो सकता है कि यहाँ पर आपका कोई जोन हो, उसको लेके मार्केट फिर नीचे आ जाता है। अब क्या ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आप बोलेंगे, नहीं, ये आपका जो होगा कैसे काम करेगा मैं बता देता हूँ। अब यहाँ पे मार्केट चेंज हो चुका है, अब यहाँ पे क्या है, आप इसको थैंक बहुत बोलेंगे, ठीक है, थैंक बहुत क्यों बोलेंगे मैं बता देता हूँ अभी तक के लिए। देखिए, अब आपका मार्केट डाउन गया, अब इसका सेम उल्टा करना, यहाँ पर क्या कर रहे थे, ऊपर अपन बहुत देख रहे थे, अब इस बार यहाँ पर अपने को नीचे देखना है, एल्यूजमेंट अपन नीचे देख रहे थे, इस बार ऊपर अपने को एल्यूजमेंट देखना, यानी कि उल्टा सिनेरियो काम करेगा, क्लियर है। देखिए, मैं आपको यहाँ पे स्पेस में लिख भी देता हूँ, ये चीज़ें आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि जब भी मार्केट ट्रेंड लिख रहा हूँ, जब भी मार्केट आपका अप ट्रेंड में हो तो आपका बोझ जो है अपर रहेगा, ठीक है, ये बोझ अपर रहेगा, IDM यहाँ पर किलो लिख देता हूँ, ठीक है, समझ में आ जाएगा, ठीक है, ये तरीके से रहेगा, ये हो गया, इसी का उल्टा आपको कर देना है, ठीक है। अब देखिए मार्केट क्या आया, अब देखिए ये बोझ, अब अपना यहाँ पर एल्यूजमेंट कहाँ होगा, अब अपन इतनी टाइम नीचे देख रहे थे, अब ये वाला हाई अपना एल्यूजमेंट काम करेगा, ठीक है। देखिए, अब मार्केट ने क्या इस एल्यूजमेंट को तोड़ा है, नहीं तोड़ा है, अभी तक किसी भी मार्केट ने एल्यूजमेंट यहाँ पर नहीं लिया है, ठीक है, फिर मार्केट नीचे आ जाता, ये अपना होगा फिर बहुत, अब ये भी फेंक बहुत अपना, जब तक ये रियल कब तक नहीं होगा, जब तक कि अपना मार्केट एल्यूजमेंट नहीं ले लेता है, ठीक है, ये होगा। अब देखिए, अब नेक्स्ट सिनेरियो मैं यहाँ से बनाना शुरू कर देता हूँ। अब देखिए, ये अपने हाई थे, ये अपन ने यहाँ क्या किया कि इस हाई को मार्क किया था, ठीक है, मैंने बताया था कि ये वाला जो बोस है इसको मार्केट तोड़ के डाउन आ गया, तो ये अपना तोड़, यानी कि यहाँ से अपना प्रॉपरली चेंज ऑफ स्ट्रक्चर हो चुका है, ठीक है। अब मार्केट यहाँ से क्या करेगा, अब दो सिनेरियो बनाएगा, मैं थोड़ा सा आगे ड्रॉ करता हूँ इसको, मार्केट यहाँ से अप जाता है, ठीक है, मार्केट फिर डाउन आता है, ठीक है, अब इस बार मार्केट यहाँ पे अप जाता है, ठीक है, फिर मार्केट डाउन आता है, फिर मार्केट थोड़ा सा अप जाता है, डाउन आता है, ये अप जाता है एंड डाउन आता है, ये सिनेरियो आपको देखने को अब तक इच्छा नहीं है। अब इसको थोड़ा मैं कंसीडर करवा देता हूँ कि कैसे काम करेगा, समझिएगा, ठीक है, ये आपका चोज होगा, इसको थोड़ी देर साइड कर दीजिए। देखिए, ये बहुत हो गया आपका, अब ये एल्यूजमेंट कहाँ से कहाँ जाएगा, यहाँ पे, फिर मार्केट नीचे चले गए, किसी ने टैप किया, किसी ने, अब देखिए ये मार्केट यहाँ से फिर तोड़ के कहाँ चले गए, नीचे की तरफ, ठीक है, इसे अपना हो जाएगा फॉक
सॉरी फ्रैंक बॉस यानी कि फ्रैंक बैक ऑफ स्ट्रक्चर। अब इसको रियल होने की दो कंडीशन है कि इसको अपना इल्यूजमेंट लेना होगा जो कि मार्केट ने यहाँ पर आराम से लिया है, ठीक है। तो ये फेंक जो मैंने लिखा ये फेंक नहीं होगा, अब आप इसको रियल करना होगा। मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ, मैं ऐसा नहीं लिख रहा कि ये चीज़ आपको गलत, बट समझाने का तरीका मैं थोड़ा सा इसी तरीके से समझाना चाहता हूँ कि आप प्रॉपरली तरीके सारी चीज़ों को समझ पाए, ठीक है। तो आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा रियल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। अब देखिए ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आपका हो चुका है, ठीक है। ये होने के बाद मार्केट यहाँ से अप गया। अब यहाँ पे जो लास्ट वाली आप क्या करेंगे कि यहाँ पे जो भी आपका ओबी हो यानी कि ऑर्डर ब्लॉक, और ऑर्डर ब्लॉक के साथ आपको अनमिटिगेट जोन देखना है, और अनमिटिगेट जोन वगैरह के साथ में आपको क्या करना है कि आपको इम्बेलेंस वगैरह देखना है, वो चीज़ें आपको देखनी है, ठीक है। ये चीज़ें आप देखेंगे, जैसे अपन ने यहाँ पे देखा था, देखो बॉस ऊपर यहाँ पर बॉस नीचे है, मार्केट ऊपर गया तो हाई ऊपर बनाया, तो यहाँ इसने कौन सा ये वाला हाई अपना बना दिया, ये अपना लो बना दिया मार्केट। उसके बाद इल्यूजमेंट नीचे था, इल्यूजमेंट ऊपर आ गया, ठीक है। इस तरह से आपको प्रॉपर एक मार्किंग करनी है जिससे आप कभी भी गलत नहीं होंगे, और यही एक तरीका जो है आपको प्रॉपरली सारी चीज़ें सिखाएगा, ठीक है। इसी तरीके से अपन पूरा स्ट्रक्चर देखने वाले हैं जिसके हिसाब से अपन ट्रेंड करेंगे, सॉरी ट्रेड लेंगे एक अच्छी से। अब आगे देखिए, अब मार्केट यहाँ पर क्या करता है, कोई भी ओबी ऑर्डर ब्लॉक वगैरह कुछ भी होता है उसको टैप करके मार्केट नीचे आ जाता है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये आपका फ्रैंक बॉस होगा। अब मैं समझाने के लिए इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आप समझ पाएँ, ये आपका बॉस होगा, ठीक है। देखिए मार्केट अब नीचे आया, अब क्या इसने इसको तोड़ा, इस हाई को नहीं तोड़ा, ठीक है, और ये अपना हाई था, इसको तोड़ता है मार्केट तो ये अप ट्रेंड में जाना शुरू हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर बॉस हुआ था, तो ये अपना यहाँ पर क्या कंफर्म हो चुका है, अपना यहाँ पर जो ये हाई कंफर्म हो चुका है रीसेंट केस के लिए, ठीक है। अब आगे देखिए मार्केट यहाँ पे आता है, यहाँ पे आने के बाद मार्केट दो एक्टिविटी करता है, अगेन फिर फ्रैंक बॉस बना देता है, ठीक है, फ्रैंक बॉस बना दिया आपके हिसाब से। अब यहाँ पर अपन ने क्या किया कि इल्यूजमेंट यहाँ से ये वाला जो इल्यूजमेंट है यहाँ पे शिफ्ट कर दिया कि इस मार्केट का, जैसे यहाँ से ऊपर गया नीचे आने लगा, यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद में, यहाँ होने के बाद ही आपको शिफ्ट कर देना कि जब भी मार्केट इस हाई को तोड़ेगा यानी कि इस हाई को, तो मैं क्या करूँगा कि ये जो ऊपर वाला ओबी है आपको यहाँ पर वेट करना है मार्केट आने का, टैप करने का, कि यहाँ पर जैसे ही मार्केट आएगा मैं एक लो एंट्री लूँगा यहाँ से, ठीक है। अब इस बार मार्केट आया तो आपका ये क्या हो जाएगा, रियल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है, ये आपका रियल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा। मार्केट आया, मार्केट आके फिर इसको तोड़ देता है, ठीक है, ये तोड़ दिया। अब मार्केट देखो इसी सिनेरियो से काम करेगा, यही मैं आपको समझाना चाहता था। आई होप कि ये जो सिनेरियो मैंने आपको बताया आपको समझ में आ गया होगा कि ये चीज़ें किस तरीके से काम करती, इनका काम करने का पर्पज़ क्या है, इन किस रिगार्डिंग काम करती, समझ में आ गया। अब आपको मैं चार्ट पे ले चलता हूँ, यहाँ पे मैंने रिसेंट ट्रेड ली थी, ठीक है, मैं आपको दिखाऊंगा अभी कुछ मेरा ड्रो किया हुआ इसी पे करके दिखाता हूँ, ठीक है, यहीं से पकड़ लेते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ से लेते हैं, देखो सबसे पहले मार्केट ने क्या किया कि ये मार्केट का अपन के लिए हाई है, मानते हैं यहाँ पे ये हाई है, ये मार्केट ने यहाँ पर हाई बनाया, ठीक है। जैसे ही मार्केट ने यहाँ पे हाई बनाया आपको करना क्या है कि मार्केट की यहाँ हाई बनाने के बाद में ये मार्केट ने हाई बना लिया, ठीक है। अब यहाँ पे इसको हाई को आप कैसे कंफर्म करेंगे, देखिए तो सबसे पहले आपको दो काम करने हैं, दो काम कौन कौन से करने मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपका मार्केट क्या करेगा कि जैसे आपने इसको चेंज कर दिया, ये हो गया बॉस आपने लिखा, ठीक है, इस वाली विक को मार्केट तोड़ के अप गया, ठीक है। देखो बॉस होने के लिए मैंने बताया था कैंडल का क्लोज होना जरूरी, ऊपर कैंडल ने इतना अच्छा खासा क्लोज दिया तो ये बॉस हो गया, ठीक है। तो अब बॉस होने के बाद आपकी कंडीशन क्या रहती है कि मार्केट का जो रिसेंट वाला हाई है, ये आपका जो रिसेंट वाला हाई है इसको मार्केट तोड़े चाहे स्वीप करे चाहे कुछ भी करे, ये आपका प्रॉपर तरीके से इल्यूजमेंट की तरह काम करेगा, यानी कि ये सही लिखा है मैंने जो लिखा है यहाँ पे कि आपका ये इल्यूजमेंट की तरह काम कर रहा है, ठीक है। अब आगे देखिए, फिर मार्केट अप गया,